हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कानूड़ा कला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी की शर्ट बनाने का इजी तरीका, जो आप आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल जी की टी शर्ट बनाने का तरीका बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं शर्ट बनाना। शर्ट बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये दो अलग रंग के कपड़े, मैरून वाला शर्ट के लिए और वाइट वाला उसकी पाइपिंग के लिए, और साथ में कैंची और सुई धागा भी। यहाँ पे सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का नाप ले लेते हैं। गर्दन से कमर तक की हमें लंबाई लेनी है और एक बाजू से दूसरे बाजू तक की चौड़ाई। अब नाप के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमने दोनों साइड 1-1 सेंटीमीटर बाजुओं का बढ़ा दिया है, और लंबाई में भी हमें 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, क्योंकि नीचे से फोल्ड होगी ये शर्ट। मैं थोड़ा सा बड़ा कट कर रही हूँ, क्योंकि वो इजी रहता है बाद में फिनिशिंग देने में। कपड़ा कट करते हुए ध्यान देना है कि कपड़े के जो दोनों भाग है वो एक तरफ से जुड़े हुए हों, और जिस तरफ से वो जुड़ा हुआ है उसका सेंटर लेके हमें एक ट्रायंगल कट करना है, जिससे कि गला कट हो जाएगा। और गले से एक भाग के सेंटर में कट मारना है। अब बारी है पाइपिंग लगाने की। सबसे पहले हम बाजू पे पाइपिंग लगा लेंगे। स्लीव्स पर 2.5 सेंटीमीटर्स की चौड़ाई का कपड़ा रख कर उसे बाजू के साथ साथ सिल लेंगे। आज हम 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हाफ स्लीव्स की शर्ट बना रहे हैं। आप दिखाए तरीके से 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की शर्ट आराम से बना सकते हैं। फिर बिल्कुल दिखाए तरीके से पहले एक फोल्ड देके, उसके बाद दूसरी तरफ ले जाकर एक और फोल्ड देके उसी बाजू पे रखकर हम दोबारा सिलाई कर लेंगे। ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे स्किप ना करें। हम ये शर्ट हाथ से बना रहे हैं, आप चाहे तो सिलाई मशीन से भी बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सेंटर कटिंग और गले पे पाइपिंग कैसे लगाते हैं। बिल्कुल बाजू की तरह ही हमें लगानी है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिकी है।
कटिंग वाले भाग में एक सिरे से लेके हमें गले के ऊपर से घुमा के दूसरे सिरे के एंड तक पाइपिंग को सिलना है। जो भी एक्स्ट्रा पाइपिंग होगी हम उसे कट कर लेंगे। फिर बिल्कुल बाजू की तरह पहले एक फोल्ड देंगे, फिर दूसरी तरफ ले जाके एक और फोल्ड देके हम इसे सील लेंगे। गले पे थोड़ी सी पाइपिंग में गैपिंग आ सकती है। अब साइड वाली बाजू पे भी हमने पाइपिंग लगा ली है। अब बारी है साइड्स की सिलाई करने की। 1 सेंटीमीटर बाजू का होल छोड़ के उसके नीचे से हमें सिलाई करनी है और हर सिलाई एक एक करके तिरछी यानी कि अंदर की ओर करते जाना है ताकि शर्ट की जो कमर है वो घट जाए। फिर दोनों साइड सिलाई कर लेने के बाद अब हम इस शर्ट की बाजुओं को सीधा कर लेंगे। अब हम कमर वाले पोर्शन को भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें डबल फोल्ड देना है, एक पहला फोल्ड और उसी के अंदर एक और फोल्ड देके पूरी कमर पे सिलाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे वेलक्रो टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इन दोनों पल्लों को बंद करने के लिए बटन, हुकाई या चिट बटन भी लगा सकते हैं। वैसे ये वेलक्रो टेप बहुत आसानी से किनारी वाली दुकानों पर मिल जाती है। इस शर्ट को पैंट के साथ ज़रूर पहनाएं और अगर आपको पैंट बनाने की वीडियो चाहिए तो वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। बिप सूट मेकिंग या क्रिसमस वाली ड्रेस में आप देख सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब पहना लेते हैं अपने लाला को ये शर्ट और देखते हैं उन पर कैसी फिटिंग आई।
आप अपने मन अकॉर्डिंग इस पे कैसी भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो या सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स द्वारा जरूर बताएं। आप भी शर्ट को जरूर बनाएं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।